हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में। मैं पूनम सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ भंडारे में पूरियाँ कैसे बनाते हैं हलवाई। और ये वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहें। कितनी फुली फुली पूरियाँ पूरियाँ बनाए हुए हैं आप देख सकते हो वीडियो में। और कैसे बनाया जाता है, कैसा ये खाना भगवान पर जो जो भोग लगाने के लिए बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरीके की चाहिए, सो दैट कि मैं आपको आपके हिसाब से वीडियो को अपलोड करूं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये आटे को गूँथ लेते हैं। थोड़ा नॉर्मल पानी में ही ये गूँथते हैं आटे को, और उसमें डालते हैं हल्का सा नमक और अजवाइन। बस ये दो चीज़ें डालेंगे और उसको अच्छे से इसका एक डो तैयार करेंगे। धीरे धीरे ये पानी को ऐड करते हैं और डो तैयार होकर रेडी हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो धीरे धीरे ये पानी ऐड कर रहे हैं और इसका डो बनाने की तैयारी है। डो बनकर रेडी है और उसके छोटे छोटे शुरू गरम तेल में ये डाल देंगे पूरियों को, उल्टा पलटी करके रेडी और सर्व करने के लिए ये पूरियाँ रेडी है। अगर आपको इसे वीडियो पसंद आए हलवाई की भंडारे की तो आप मुझे कमेंट से जरूर बताएं। वाओ, देखिए कितने अच्छी अच्छी वीडियो बनी है। और ये वीडियो मैंने हरियाणा में, तो आप देख सकते हैं छाते हैं माता के पूरियाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं। वाओ, तो खस्ता ये पूरियाँ बनकर तैयार। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने इन पूरियों को बनाते हैं ये, और भगवान का भोग लगाते हैं। और इस तरीके से आप घर पर भी बना सकते हैं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तक